अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स, वेलकम टू सी एस एस पी एम एस टाइम्स। सो वी आर प्रोसीडिंग टू आवर टॉपिक। हमने कल इस टॉपिक पे एंड किया था, सो नाउ वी आर कंटिन्यूइंग हियर। इक्विटी माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक पॉलिसी आल्सो स्ट्राइव टू प्रमोट इक्विटी बाय इंश्योरिंग अ फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड रिसोर्सेज अमंग इंडिविजुअल्स एंड रिड्यूसिंग डिस्पार्टीज एंड वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटीज। सो equity means equality. As in my last lecture I told you that fair distribution, like it's कोई भी rich man हो या poor man, दोनों को fair distribution मिलेगी। okay, so party market economy, demand, supply and price, so price determination, so we are proceeding to it. Demand, supply and price determination. Demand refers to the quantity of a goods or services that consumer are willing and able to buy at various prices. Demand refer करती है उस quantity को जो कि goods और services की है, जिस पे consumer जो है willing हो, able भी हो और willing भी हो उसको buy करने के लिए। Supply represent the quantity of a goods or services that producer are willing and able to offer for sale at different prices. Supply represent करती है उस quantity, उस goods और services की quantity को जो कि producer willing हो और able भी हो उसको buy करने के लिए, उसको sell करने के लिए। okay? Individual or market demand. Individual demand refer the quantity of a goods or services that a single consumer is willing to purchase at different price. जैसे एक कोई भी चीज़, जैसे कुछ भी कह सकते हैं हम, कोई भी चीज़ जिसकी डिमांड ज़्यादा हो। इंडिविजुअल डिमांड लाइक एक चीज़ वो सिर्फ एक ही है, कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी। जैसे गंदम कम हो जाती है मार्केट में तो वो सेट करके रखते हैं कि जो, जैसे बोली लगती है किसी चीज़ पे कि जो बंदा हमें प्राइस, जैसे अपार्टमेंट्स पे किसी भी चीज़ों पे कोई बोली लगती है कि जो भी कंज्यूमर हमें ज़्यादा पे देगा उसी को वो मिलेगी। ये होती है इंडिविजुअल डिमांड। लाइक हर कोई एबल और विलिंग नहीं होता उस चीज़ को बाय करने के लिए, उस अपार्टमेंट या उस चीज़ या उस वीट को बाय करने के लिए हर कोई विलिंग और एबल नहीं होता। अगर विलिंग होता है तो एबल नहीं होता, और अगर एबल होता है तो फिर वो विलिंग नहीं होता। ये होती है इंडिविजुअल डिमांड। और मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड इज द सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर गुड्स और सर्विसेज एट वेरियस प्राइस लेवल। मार्केट डिमांड वो होती है जो सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल डिमांड्स, जितनी भी मार्केट में मार्केट डिमांड, जितनी भी मार्केट में कंज्यूमर्स होते हैं उन सब के बजट, उन सब के माइंडसेट को देखते हुए जो डिमांड बनती है, जो मार्केट में प्राइस चलती हैं, प्राइस लेवल्स होते हैं, वो उसे कहते हैं मार्केट डिमांड्स। सो वी आर प्रोसीडिंग टूवर्ड्स चेंजेस इन डिमांड्स और सप्लाई। चेंज इन डिमांड, डिमांड कैन शिफ्ट ड्यू टू फैक्टर्स सच एज चेंज इन कंज्यूमर प्रेफरेंस, इनकम, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स एंड एक्सपेक्टेशन। डिमांड चेंज जो है वो शिफ्ट ड्यू टू फैक्टर। डिमांड में चेंज जब आता है, डिमांड में शिफ्ट तब आता है जब कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस में चेंज आए, कंज्यूमर की इनकम में चेंज आए। लाइक एक आपकी, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक बबलू है, ठीक है, उसके फादर ने उसको राइड्स के लिए ले जाना है, उसके पास सिर्फ 1000 रुपीज़ हैं। उस 1000 में बबलू ने सारी राइड्स करनी है, ठीक है, तो उस 1000 में वहाँ राइड्स तो है, एक राइड्स आपको 200 तक मिलेंगे, तो बबलू जो है वो राइड सिर्फ 1000 में कितनी ले सकता है, सिर्फ 5 राइड्स। अगर इसी तरह बबलू के फादर की इनकम बढ़ जाती है तो वो बबलू को राइड्स 2000 की दे सकता है, तो बबलू वो राइड्स जो हैं वो 5 राइड्स के बजाय वो 10 राइड्स ले सकता है। क्यों? क्योंकि उस बंदे की, उसके फादर की जो है वो इनकम बढ़ गई, ठीक है। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, गुड्स